हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर मिसाइलें दागी हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, जेद्दा ऑयल स्टेशन को निशाना बनाकर हुती विद्रोहियों ने एक बार फिर से मिसाइल से अटैक किया है। मिसाइल हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है, ये बात सऊदी अरब की तरफ से कही गई है। लेकिन हुती विद्रोहियों का एक और हमला सऊदी अरब पर। अमेरिकी नौसेना के एक बड़े अधिकारी ने ताइवान का दौरा किया है, जिस पर चीन बुरी तरह से बौखला गया है। रेगन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर ताइवान से सैन्य संबंध बढ़ाए तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रविवार को अमेरिकी नौसेना के एक एडमिरल ने ताइवान का दौरा किया, जिससे चीन भड़क उठा है, क्योंकि चीन ताइवान को अपना प्रांत मानता है। तो उधर अमेरिका ताइवान को हथियार और सैन्य मदद देकर रेगन के खिलाफ तैयार भी कर रहा है। जाहिर है, एशिया का सुपर पावर और दुनिया के सुपर पावर में वाया ताइवान जंग छिड़ना तय है, क्योंकि इससे पहले सितंबर महीने में भी अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी कीथ क्रैश ने भी ताइवान की यात्रा की थी। तब ड्रैगन ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए ताइवानी क्षेत्र में 18 विमान उड़ाए, जिसमें लड़ाकू जेट भी शामिल थे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।